बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन, द रेशनल नंबर था कि ऐसे इंटीजर्स जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू आर नॉट आर इंटीजर्स, और वो कुछ पी एंड क्यू जो होंगे वो इंटीजर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव होने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू। ठीक है, तीन कंडीशन थी रेशनल नंबर्स के लिए। एक उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके और वो कोई ना कोई इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एक्सरसाइज 2 हमने सॉल्व करी थी, आज हम 2 भी सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 56 डिवाइड बाई -96, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन गिवन हो और उन फ्रैक्शन में आप कहें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपने जस्ट 2 स्टेप माइंड रखने हैं। एक ये कि उसका डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और थर्ड ये कि उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आपने। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए द डिनोमिनेटर ऑफ 56 डिवाइड बाई -96 इज नेगेटिव। तो अब नेगेटिव है तो इसको हमने पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर, पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? तो पॉजिटिव करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करोगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में -1 के साथ। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी रूल बताया था मैथमेटिक्स का कि जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब 56 मल्टीप्लाई बाय -1, -96 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 56 ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव हमने खत्म कर दिया। अब सेकंड है कि इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर मुकम्मल जाता हो, पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, अगर एक ही टेबल के साथ दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो फिर हम वही टेबल उसी डिजिट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 56 और 96 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन है वो है, कॉमन डिविजन जो है वो 8 है। तो हम अब 8 के साथ डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में -7 होकर। तो ये इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आपने जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या उसकी डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो आपने नेगेटिव खत्म करना है। फिर आपने ये चेक करना है कि हम कौन से कॉमन डिविजन के साथ, कॉमन डिविजन के साथ उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने उसके साथ डिवाइड करके आपने उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तब जाके आपका क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होगा वो ठीक होगा और आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमने ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इनमें से ग्रेटर देन है, 3/4 और 11/15। ठीक है, तो अगर आपसे ये पहले आपसे था स्टैंडर्ड फॉर्म का, अब आपने बताना है ग्रेटर देन। अगर क्वेश्चन ग्रेटर देन का हो या लेस देन का हो फ्रैक्शंस के मुतालिक, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद आपने नोमिनेटर को चेक करना है कि जिसका नोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन ग्रेटर देन हो जाएगी, और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, छोटा होगा, वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन हो जाएगी। तो अब दूसरी बात ये कि अब डिनोमिनेटर को आपस में कैसे इक्वल करें, तो जो दोनों के डिनोमिनेटर, अब जिस तरह क्वेश्चन के मैंने 3/4 और 11/15, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक में 4 आ रहा है और एक में आ रहा है 15। ठीक है, तो 4 वाले को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 15 वाले को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3/4 को हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 15 = 45 और 4 × 15 = 6, हमारे पास 60 आ गया। तो ये एक फ्रैक्शन हमारे पास न्यू आ गया 45/60। अब हम दूसरे फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं 11/15, तो अब इसको हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई करना था नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 11 × 4 और 15 × 4, तो ये हमारे पास आ गया 44/60। अब आप इसमें से आप देख सकते हैं कि जो 45 है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्वल होगा आपस में 60 60, अब नोमिनेटर चेक करना है, तो 45 क्या था वो ग्रेटर देन है 44। ठीक है, अब 45 ग्रेटर देन है 44, तो उससे मुराद ये है कि जो 45 और 60 फ्रैक्शन थी वो ग्रेटर देन है 44 और 60 वाली फ्रैक्शन से, और इससे मुराद जो इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सी बनती हैं 3/4, वो ग्रेटर देन होगा 11/15 से। अब हमने बात चेक करनी है रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी डिजिट से मुराद किसी जो रेसिप्रोकल होता है वो ऐसा डिजिट होता है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि 5 का रेसिप्रोकल 1 और 5 है और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो 5 और 7 है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज
5 और 7 लेस देन 2 और 5, हमने ये बताना है कि जो 5 और 7 है क्या वो 2 और 5 से लेस देन है या नहीं है, ठीक है। तो अगेन वही मेथड कि हमने डिनोमिनेटर को सेम इक्वल करना है आपस में, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ठीक है, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर में 7 आ रहा था और एक ही डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। जिसके 7 आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 5 आ रहा है उसको हम 7 के साथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास क्या आ गया 25 और 35, ठीक है। और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 और 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गए इक्वल, तो अब आप देख सकते हो जो 25 था वो ग्रेटर देन 14 है, ठीक है, और 14 वो लेस देन 25, ठीक है। तो यहाँ पे 14 लेस देन 25, तो 14 लेस देन 25 से मुराद क्या है कि 2 और 5 लेस देन 5 और 7, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे उल्ट पूछा है, उसने पूछा क्या 5 और 7 लेस देन 2 और 5, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया है तो हमें पता चले 2 और 5 वो लेस देन 5 और 7 है, लेकिन 5 और 7 लेस देन 2 और 5 नहीं। दोबारा हमने कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर -9 और -8, अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास 9 और 8 आ जाएगा। सिमिलर 4 और -9 है, इसको भी 1 दूसरी क्या था कि हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब 9 और 8 दोनों डिजिट के अंदर कोई कॉमन डिवीजन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम 9 और 8 लिखेंगे। 4 और 9 था तो उसको हमने -1 के मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया -4 और 9 आ गया। अब आपने ये बताना है कि जो गिवन रेशन नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये गिवन रेशन नंबर थे 2 और 5, -1 और 2, 8 और -15 और 3 और -7, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने चेक करना है कि कौन कोई फ्रैक्शन आपको जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन हैं 8 और -15 और 3 और -10, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसको पैसा से पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या हम रहता है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमने -9 को ख़त्म करना है, और -9 को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम -1 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -8 और 15 आ जाएगा। सिमिलरली 3 और -10 था जो हमारे पास -3 और 10 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने कॉमन डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। तो कॉमन डिनोमिनेटर के साथ आपने अपने एलसीएम ले लें, और एलसीएम का जो आंसर हो आप इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आता है 30। तो आपने ऐसा काम करना है कि ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हर डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 30 मौजूद होना चाहिए। तो 2 और 5 है तो उसका हम, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 30, तो हम 6 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपने जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करना है आप नोमिनेटर के साथ भी करोगे और डिनोमिनेटर के साथ भी करोगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 और 30। फिर सिमिलरली आपने 1 ओवर 2 था, तो क्योंकि 15 और 2 30 होता है तो हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -15 और 30। फिर 8 और 15 -8 और 15 था तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -16 और ओवर 30 आ जाएगा। और लास्ट में 3 और -3 और 10 था तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ गया -9 और 30। अब सबका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया 30। अब आप चेक करो इस जो फ्रैक्शंस के अंदर, सबसे पहले जो -9 है -16 वो लेस देन है -15 से, और -15 लेस देन है -9 से, और -9 लेस देन है 12 से, ठीक है। क्योंकि असेंडिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा डिजिट होता है, फिर उसे बड़ा, फिर उसे बड़ा, और फिर जो एंड पे चलते हैं उससे सबसे बड़ा डिजिट होता है, ठीक है। तो अब -9 और 30 क्या था, -16 और 30 ये लेस देन है -15 और 30 से, तो -6 और 30 वाली जो फ्रैक्शन थी वो थी -8 और 15, तो ये लेस देन होगा -1 और 2 से, ठीक है। और -15 लेस देन था -9 और 30 से, तो -9 और फ्रैक्शन क्या थी -3 और 10, तो -1 बाई 2 लेस देन हो गया -3 और 10 से, और सिमिलरली -3 और 10 क्या होगा लेस देन होगा 12 और 30 से। तो आप ये जो फ्रैक्शन हमने लिखी ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गई। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपने डिसेंडिंग ऑर्डर बतानी है, तो इसमें क्या होगा पहले सबसे बड़ा डिजिट होगा, फिर उसे छोटा और फिर उसे छोटा, इस तरह इसी सीक्वेंस के साथ आप चलते जाएंगे, ठीक है। तो उसका सेम यही मेथड है, आपने पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम का जो डिजिट आएगा तो आपने कोशिश करनी है कि देखना कि ऐसा कौन सा नंबर है कि हर फ्रैक्शन के अंदर हम उसको मल्टीप्लाई करें ताकि उसका जो डिनोमिनेटर वो इक्वल हो जाए। फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि जो उनके डिनोमिनेटर है वो कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, और उस मुताबिक आपने सीरीज में लिख देना है, ठीक है। फाइंड द रेसिप्रोकल, अगेन वही रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ गया, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -3 के साथ तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 और -3 का रेसिप्रोकल है। -2 और 9 है इसको मल्टीप्लाई करें 9 और -2 के साथ तो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो 9 और -2 इसका रेसिप्रोकल है, और 1 और 7 का रेसिप्रोकल 7 है, तो 7 से
डायगोनल पार्ट से माना जाता है तो इसका जो रेसिप्रोकल क्या होगा वो 1 होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं।